हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिसेस भी कर रहे होंगे ऑन एनालॉजी टॉपिक, राइट? क्योंकि अभी हमारा जो डिस्कशन चल रहा है दैट इज ऑन एनालॉजी। ओके, तो सी बिफोर दैट कि हम आज के सेशन को स्टार्ट करें, लेट सी अब तक हमने क्या देखा है, अब तक हमने किस बात कौन से चीजों पर डिस्कशन किया है ऑफ एनालॉजी। ओके, तो अभी तक हमने एनालॉजी की बेसिक्स पे डिस्कशन किया है, राइट? एनालॉजी में वर्ड एनालॉजी पे हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। वो बच्चा जो आज पहली बार वीडियो देख रहा है, आई सजेस्ट कि पीछे के वीडियोस आप देख लो, क्योंकि वर्ड एनालॉजी आपका टोटली कंप्लीट हो चुका है। ओके, आज के वीडियो में हम नंबर एनालॉजी पे बात करेंगे। ओके, हमारा जो डिस्कशन टॉपिक होगा दैट विल बी नंबर एनालॉजी। नाउ सी, जब आप नंबर एनालॉजी की बात करते हो तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। क्या क्या ध्यान में रखना है, तो लेट्स सी, जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ पे हम राइट नाउ सी, जब नंबर एनालॉजी आप देखते हो तो नंबर एनालॉजी में ऑब्वियसली आपको दो नंबर्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है, राइट? तो जब दो नंबर्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको जो बातें ध्यान में रखनी है, दैट इज द फर्स्ट थिंग कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो भी होते हैं आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय। मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। ओके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ऑलराइट, दिस इज द फर्स्ट थिंग और ये बहुत बेसिक है, ये हर किसी के माइंड में होता है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, क्योंकि एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये करना है। जो बच्चा एकदम नया है ना, उसको बेसिकली पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो सी, जो नंबर एनालॉजी होती है, जो क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं उस पे, वो होल नंबर पे बेस्ड हो सकते हैं, होल नंबर पे भी बेस्ड हो सकते हैं, प्लस डिजिट्स को ले पे भी बेस्ड हो सकते हैं। ओके, वो डिजिट्स पे भी बनाए जा सकते हैं और होल नंबर पे भी बनाए जा सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि लेट्स से कि हमने यहाँ पे एक दे दिया, 6 इज रिलेटेड टू 34। ऑलराइट, ये क्या हो गया आपका, एक होल नंबर पे रिलेटेड है। कैसे, हम यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करें तो वी कैन से कि 6 5 जा 30 प्लस 4 विल बी गिवन 34, राइट? आपको 6 से 34 का रिलेशन मिल गया, क्या करना है, मल्टीप्लाई किया 5 से और प्लस 4 कर दिया, 34 मिल गया। लेकिन डिजिट्स के साथ भी हो सकता है, तो कैसे वो देख लेते हैं। से सी, 7 इज रिलेटेड टू, नो जस्ट जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेंज द क्वेश्चन हियर, जस्ट अ सेकेंड। हमने यहाँ पे कर दिया 72 इज रिलेटेड टू 40। ओके, अब आपके माइंड में आएगा कि 14 इंटू 5 प्लस 2 कर दो तो 72 हो सकता है, राइट? लेकिन बच्चे ये भी तो हो सकता है कि 7 इंटू 2 कर दे तो भी तो 14 मिलेगा। अगर हम डिजिट्स के साथ जाते हैं, तो 7 इंटू 2 करके भी आपको 14 मिल सकता है, और अगर आप 14 इंटू 5 प्लस 2 कर दो तो भी आपको 72 मिल जाएगा, राइट? तो दोनों तरीके से यहाँ पे काम हो सकता है, दोनों तरीके पे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि होल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर पे भी क्वेश्चंस बेस्ड हो सकते हैं, डिजिट्स पे भी क्वेश्चंस बेस्ड हो सकते हैं। तो क्वेश्चन करते समय ये दो बातें आपको दिमाग में रखनी ही रखनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा आपका क्वेश्चन स्क्वायर पे बेस्ड हो सकता है, स्क्वायर ऑफ नंबर्स पे बेस्ड हो सकता है, क्यूब ऑफ नंबर्स पे बेस्ड हो सकता है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ओके, नाउ आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बाकी क्वेश्चंस करते करते आपको एक आइडिया मिलता जाता है कि किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं या पूछे जाएंगे इन द फ्यूचर एग्जामिनेशंस। ओके, सो बिना वेस्ट किए टाइम चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। ऑलराइट, सी हियर इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ नंबर एनालॉजी। नाउ क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 16 इज रिलेटेड टू 70, तो आपको फाइंड आउट करना है कि 18 विल बी रिलेटेड टू
विच वन। अच्छा इसे ना लैंग्वेज में भी डाल करके दे देता है समटाइम कि 16 इज रिलेटेड टू 70 इन अ सेम वे 18 विल बी रिलेटेड टू विच वन, जैसा कि मैंने आपको वर्ड एनालॉजी पे भी दिखाया था कि वर्ड एनालॉजी में अगर सेंटेंस में डाल के देता है क्वेश्चन को तो कैसे आपको मिलेगा। ओके तो यहाँ पे भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइन ना, सबसे पहले हमें क्या करना है, 16 और 70 के बीच का जो भी रिलेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है एंड हमें लगाना है किस पे, 18 पे लगाना होगा। तो सबसे पहले 16 और 17 के बीच का रिलेशन देख लेते हैं, 16 और 70। राइट नाउ यू नो 16 इंटू 4 करोगे आपको क्या मिलेगा, 64। राइट 64 में आपने प्लस 6 किया, यू विल गेट 70, है ना। तो किया क्या आपने, आपने किया यहाँ पे कि 16 इंटू 4 करने पे मतलब 70 के आसपास का नंबर आपने ढूंढा, 70 के आसपास 16 का किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 70 के आसपास का नंबर या उससे पहले का नंबर या उससे बाद का नंबर मुझे मिल जाए ताकि हम प्लस या माइनस कर सके उसमें। तो सेम वे में हमने यहाँ पे किया, 16 इंटू 4 किया तो मुझे मिला 64, प्लस 6 कर दिया 70 हो गया। तो अब आपको सेम प्रोसेस लगाना है 18 पे, तो 18 इज टू फाइंड करना है, तो 18 इंटू 4 दैट विल बी वॉट 72। राइट प्लस 6 आपको करना है तो आपको मिल जाएगा 78। सी इजिली आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सके कि 78 आपका आंसर हो गया जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। ऑप्शन बी को आपको मार्क करना है और आगे बढ़ना है। आई होप दिस इज क्लियर। राइट ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन थोड़े से सिंपल लेवल के रखे हैं ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए। देन इन द नेक्स्ट वीडियो हम थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे, बट फॉर नाउ इतना ही काफी है ना। स्टार्टिंग है, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं फिर फटाफट से हम लोग तेजी से करेंगे क्वेश्चंस को। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। 21 इज रिलेटेड टू 441, देन इन अ सेम वे 33 विल बी रिलेटेड टू विच वन। नाउ क्वेश्चन देखते ही समझ में आया होगा आपको, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसे देखते ही समझ में आ जाएगा। क्यों, 21 का स्क्वायर कर दो, लेकिन समझ उसकी आएगा जिसको 21 का स्क्वायर याद होगा। 441 मिल रहा है, 21 का स्क्वायर किया तो 441 मिल गया। दैट मींस कि आपको 33 पे भी क्या करना है, स्क्वायर का ही रूल फॉलो करना है। 33 का स्क्वायर कर दिया हमें हमने यहाँ पे, तो वी विल गेट व्हाट, 1089 जो कि ऑप्शन बी में गिवन है ना। तो देखो आपको यहाँ पे स्क्वायर्स क्यूब भी याद होने चाहिए और ये दो जगह फायदा देगा आपको, एक तो यहाँ पे देगा और दूसरा क्वांट्स में देगा आपको। तो याद कर लो एटलीस्ट 35 तक का स्क्वायर, 40 तक का स्क्वायर तो याद होना चाहिए किसी भी बच्चे को जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहा है ना। तो आपको यहाँ पे ये याद करोगे तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन पहचानने में, अदरवाइज दिमाग लगाते रहोगे कि 21 से 441 कैसे हुआ। ओके सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। आई होप दिस इज क्लियर और दिस इज द इजिएस्ट क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जा सकता। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। 72 इज रिलेटेड टू 25 इन द सेम वे 82 इज रिलेटेड टू विच वन। ना देखो 72 का कह रहा है कि 72 रिलेट करता है किससे, 25 से रिलेट करता है, तो आपको 82 के लिए फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर रिलेटेड मिलेगा। अब सबसे पहली बात कि 72 से 25 का रिलेशन निकालना है तो क्या किया जाए कि दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट हो सके। तो सी यहाँ पे देख लेते हैं कि हम अगर यहाँ पे देखो सबसे पहली बात कि 72 से आपको 25 अगर देखना है या 25 से 72 भी देखते हो तो 25 से 72 अगर हम यहाँ पे देखते हैं, लेट्स से कि हमने यहाँ पे देखा कि 25 से 72 हम बना ले तो 25 इंटू 2 50 हो जाएगा। 50 में आप 22 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 72। ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा। पहली चीज तो क्वेश्चन में 72 रिलेटेड टू 25 दे करके रखा है, तो इन अ सेम वे आपको फाइंड आउट करना है। और अगर आप इसे लगाते भी हो इस प्रोसेस को तो भी आपको 82 से रिलेटेड नंबर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, ध्यान ऑप्शंस का भी रखना है। ठीक है ना, जब नंबर काम नहीं किया तो मैंने आपको बोला था कि होल नंबर पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, होल नंबर पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और डिजिट्स को लेकर के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बेस्ड हो सकते हैं। राइट तो यहाँ पे अगर हम डिजिट्स की बात करें तो 7 माइनस 2 करो आप क्या मिलता है आपको, 5। राइट और 5 का स्क्वायर कर दो बेटा तो मिल जाएगा आपको 25, है ना। 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5, 5 का स्क्वायर करो यू विल गेट 25। ना अब आपको मिल गया कि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, सेम वे में 82 पे लगा दो और
आंसर आपको इजिली फाइंड आउट हो जाएगा. 82 विल बी रिलेटेड टू विच वन, तो 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 6 और इसका स्क्वायर कर दो, यू विल गेट 36 जो कि ऑप्शन वन में है. समझ आ रहा होगा आई होप, राइट. अगर कोई पॉइंट ऐसा है जहां पे आपको प्रॉब्लम होगी, आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम होगी, बट स्टिल जो बच्चा नया है उसे हो सकती है, तो एक बार आप क्लियर करने के लिए कमेंट कर सकते हो ऑन द वीडियो. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, सी अभी हमने यहाँ पे तीन तरह के क्वेश्चंस देख लिए. एक तो होल नंबर के ऑपरेशन पे क्वेश्चन, दूसरा स्क्वायर का क्वेश्चन, और तीसरा हमने यहाँ पे डिजिट्स बेस्ड क्वेश्चंस भी देख लिए. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. 12 इज रिलेटेड टू 59 इन द सेम वे 18 विल बी रिलेटेड टू विच वन. अगेन एक नंबर है 12 जिसका रिलेशन दे रहा है 59 से, आपको फाइंड आउट करना है. और 12 और 59 देखते ही माइंड में आपके आना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि देखते ही माइंड में आना चाहिए कि 12 इंटू 5 अगर कर दिया तो वी विल गेट व्हाट, 60, और माइनस 1 कर दिया हमने यहाँ पे तो वी विल गेट 59. ठीक है, तो सेम वे में 18 के लिए हम देख लें, 18 इंटू 5 करेंगे तो वी विल गेट व्हाट, 90. 90 माइनस 1 किया तो हमें मिल जाएगा 89, और इजिली आपको 89 मिल जाएगा. लेकिन बच्चे ये चीज केवल प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, अदरवाइज ना दिमाग बहुत ज्यादा चलेगा क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा है, तो माइंड हर तरफ भागता है. तो आपको ऐसा प्रैक्टिस होना चाहिए कि क्वेश्चन देखो और वो स्ट्राइक करे, तो इसके लिए ढेर सारी प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको. ओके, आई एम गिविंग यू द आइडिया कि किस तरह से क्वेश्चंस को आपको करना है, बट प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है. सो आई होप दिस इज क्लियर. क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लियर फॉर नाउ. आगे बढ़ जाए, राइट. ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है ये. ओके, नाउ सी 602 इज रिलेटेड टू 30 इन द सेम वे 819 विल बी रिलेटेड टू विच वन. सी 602 इज रिलेटेड टू 30. अब आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई 602 30 से कैसे रिलेट कर रहा है. एक बहुत बड़ा नंबर है और एक छोटे से नंबर से रिलेट कर रहा है. या तो 30 का मल्टीप्लाई करके हम 602 फाइंड आउट करें, या फिर 602 में ही कुछ ऐसा करें कि हमें 30 इजिली मिल सके. तो सी अगर हम 602 की बात करें, 602 की बात करें, तो हम क्या करते हैं, इन्हें थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं. कैसे, तो सी यहाँ पे 60 और 2 डिवाइड, क्या मिलेगा आपको, 30, राइट. तो 81 डिवाइडेड 9 कर दें तो वी विल गेट 9. 819 दिया था हमारे पास क्वेश्चन फिगर, जो था दैट वाज 819. हमने क्या किया, जो फर्स्ट प्लेस पे था, क्या बोलते हैं, जो थर्ड डिजिट है उससे स्टार्टिंग की दो डिजिट्स को हम डिवाइड कर दे, दो डिजिट्स को एज अ होल नंबर लेकर के हम डिवाइड कर दे, तो स्टार्टिंग के दो डिजिट्स 81 उसको थर्ड डिजिट से डिवाइड कर दिया तो वी विल गेट व्हाट, 9. इजली हमें यहाँ पे आंसर मिल रहा है जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है. तो सो गाइस देखो, यहाँ पे नंबर्स के साथ भी जा रहे हैं हम, डिजिट्स के साथ भी जा रहे हैं, दोनों किए जा सकते हैं. तो ध्यान रखना कि वहां पे आपको माइंड अपना ऐसा रखना है कि आप दोनों तरीके से चेक कर सको. ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर फॉर नाउ. एंड आगे हम आगे की वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, ऑब्वियसली ऑन नंबर एनालॉजी, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके. और गाइस प्रैक्टिस करते हुए चलना, अदरवाइज आपका जब पीछे छूटने लगेगा ना तो वो दिक्कत करेगा, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चैप्टर्स में, तो आगे आने वाले चैप्टर्स और भी हैं जिसपे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है. तो ध्यान रखिएगा कि साथ साथ प्रैक्टिस करते चलना है. ओके ओके, सो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, राइट. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच.